हेलो प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। एक बार सभी हाँ बोलते हैं। यस, क्या ये सेशन स्टार्ट हो चुका है? यस, लाइव हो चुका है। आइए देखते हैं लाइव नंबर सेकंड क्या पढ़ेंगे। इसमें फिर वही चल गया का यार, दो दिन से यही हो रहा है, मैं क्या बताऊं। शेयर कुछ और होता है, चल कुछ और जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये डीएलएड की क्लास रोज क्यों स्टार्ट हो जाती है भाई? पहले महिमा यादव, ओम लक्ष्मी, यस के बुंडेली, सभी को गुड इवनिंग। साथियों हर दिन डिस्टर्ब हो जाता है यार, मैं क्या बताऊं। ये स्टार्ट करने वाले करते हैं या भगवान करते हैं, कौन करता है? इस टाइम स्टार्ट होना रहता, बेसिक वाला स्टार्ट ये हो जाता है, तो सिस्टम ही कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। चलो आ जाओ सभी, फिलहाल इकट्ठे हो जाओ, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट का टाइम दीजिएगा बस। भैया रुक जा, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट। अरे यार चलो हटाओ, नहीं हो रहा कुछ। ठीक है आइए, तो डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग रिवीजन पढ़ रहे थे ना, तो ये समर बैच इसमें नहीं चलेगा। फिलहाल डीएलएड वाला स्टार्ट हो गया, तो डीएलएड वाला मुझे चलाना पड़ेगा। सभी फटाफट एक बार कमेंट कर दें, आप आ गए हो तो। रिवीजन चल रहा था ना, रिवीजन चल रहा था, प्रैक्टिस चल रहा था। तो साथियों अपवर्तक में पहुंच गए थे, अपवर्तक में ये बताइए, जैसे पहला अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, कौन 12 का अपवर्तक नहीं है, बताइए। ऑप्शन है इसमें से 3, 24, 18, बताइए इसमें से 12 का अपवर्तक कौन नहीं है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, बेहतर होगा। बताइए, जवाब दीजिए, आइए, क्या है ये? लाइव 4 है या 3 है? बताइए। 4 है ना, 4, 20 डेज रिवीजन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन उनका गलत है। महिमा जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मनीषा, चलिए भैया आगे बढ़े, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों, 12 का जो अपवर्तक नहीं है वो हो जाएगा 24। क्यों? अपवर्तक मतलब जानते हो क्या होता है? अपवर्तक मतलब गुणनखंड होता है ना, फैक्टर होता है ना, तो 24 इसका फैक्टर नहीं है बल्कि मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है। सभी को मेरी बात क्लियर हो रही ना? क्लियर हो रही। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला देखो, देखो भैया सेकंड नंबर, कौन 93 का अपवर्तक है? पहला 18, 90, 31, 9 ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, बताइए। अपवर्तक मीन्स फैक्टर होता है साथी मेरे, बताओ।
मनीषा सिंह, दीपक यादव, बीरेंद्र, श्वेता जायसवाल। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। आइए, बहुत अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा 31, क्योंकि सथिया मेरे भैया मेरे 31 से भाग जाता है 3 बार और ये 0 आता है। अपवर्तक मतलब एक ऐसी संख्या जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए। सी वाला सही था, प्रीति यादव, आयुष, सुशील। अगला बढ़े, परीक्षा में पूछे गए सारे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा सबर रखना, आज प्रैक्टिस ही होगा, आज सिर्फ प्रैक्टिस, आज सिर्फ प्रैक्टिस होगा। एक बटा तीन व 1/2 का एलसीएम है, बताइए। 1, 1/2, 1/3, नॉन ऑफ दीज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब दीजिए, थोड़ा सा मैं आपका आधा मिनट का टाइम लूंगा। निधि यादव, वर्षा मिश्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्रांजल द्विवेदी, भैया धोखा हो रहा जिंदगी के साथ आजकल, ये क्लास शौक से नहीं चल रही, थोड़ा रुकना, मेरी आवाज रिपीट होगी अभी, थोड़ा रुकना, थोड़ा। रिप्लेस पिन, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आधा मिनट बस, मैं आया रे दादा मैं आया, रुक जाओ, आ तो 10 बजे चलेगा, पक्का चलेगा आज। कल्पना राजपूत जी, सही जवाब है आपका। आइए देखिए, इसमें क्या होता है, भिन्नों के एलसीएम में साथी मेरे अंश का एलसीएम होता है, हर का एचसीएफ होता है। तो एक और एक का एलसीएम, 3 और 2 का एचसीएफ। तो एक का एलसीएम एक है होगा, 1/1, फाइनल में 1 आएगा ना, कितना आएगा, 1 आएगा, क्यों भैया, 1 आएगा ना। चलिए आगे, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। हम भिन्न में पहुंच गए थे, भिन्न का जोड़ना घटाना और गुणा बता दिए थे रेगुलर क्लास में ना, भिन्न का भाग पढ़ाना था, जो सिस्टम से पढ़ा रहे थे उसके अकॉर्डिंग। तो चलो भिन्न का भाग में आ जाओ, 3/4 डिवाइड बाई, बारह बटा बीस। मान बताइए, डीएलएड के सिलेबस के अनुसार चल रहा है ये, ठीक है। पंकज सिंह, वेरी गुड। पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं, भाग का चिन्ह हटा के गुणा लगाते हैं, ठीक। अब ये पलट जाता है, जो हर है वो अंश, जो अंश है वो हर हो जाता है, ठीक। इनको डिवाइड कर लेंगे, जो हो सकता है, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12,
वन और वन बच रहा है, फाइव और फोर बच रहा है, तो फाइनल में फाइव अपॉन फोर आंसर आएगा। किसी को कोई तकलीफ? देखो भैया, डीएलएड वाले हो ना आप सभी, फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो ना, एक बार सभी ये बता दो मेरी आवाज एकदम क्लियर है, शोरगुल तो नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत दूर लगा हुआ है, वो माइक थोड़ा सा डिसमिस हो गया सेटिंग वगैरह, तो हो सकता है शोरगुल हो, इसलिए मैं बहुत तेज बोल रहा हूं। अगर अच्छा है आवाज तो यफ बताएं, यफ, नहीं तो नो, मतलब रिपीट तो नहीं हो रही, गूंज तो नहीं रही ना, क्योंकि यहाँ बगल में कूलर पंखा चल रहा है तो बहुत आवाज है। पांचवा, आगे बताइए, अगला 28/30 डिवाइड बाई 20। कितने लोग बता लेंगे इसका मान? बताइए पांडे जी, कृष्णा यादव, रितेश मौर्य, कल्पना राजपूत, विकास, शीलेश परमार, चलो भैया आवा। ये पेपर में ऐसे पूछा जाता है, क्या लफड़ा है यार, देखो लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही। पहला वैसे लिख लेंगे, भाग की जगह गुणा लगाएंगे, ये भिन्न पलट जाएगा, 120 ऊपर ये नीचे, ठीक। अब ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, देखो 30 से कट जाएगा, 30 से कम 30, 30 चौका 120 होता है, 28 से कम 28, 28 दूना 56, 1/1, और ये भैया 4/2 आएगा, फिर कट जाएगा, ये फाइनल में 2/1, और आप 2 कह सकते हो। महिमा यादव, श्वेता जसवाल, सक्षम, वेरी गुड, कितना आएगा, 2 ना। तो ये था भिन्न का भाग, जैसा कि आप सभी को पता है रिवीजन कर रहे हैं 20 दिन में कंप्लीट रिवीजन, और अगर आपने सिर्फ 20 दिन ये क्लास अटेंड कर लिया तो प्रथम सेमेस्टर में पास कराने की संपूर्ण गारंटी है, लेकिन सीखना भी पड़ेगा, इसे आगे मत थोबड़ा नहीं देखना है, जो हम कराएं जितना उतना आपको आए, जितना हम लगवाए उतना आपके दिमाग खोपड़ी में घुसे। जैसे इसमें देखो भिन्न का एलसीएम सिखा दिया, भिन्न का भाग सिखा दिया, अपवर्तक के बारे में बता दिया, 3-4 पॉइंट क्लियर किया ना आज की डेट में, दो 3-4 क्वेश्चन में। देखो आगे चलें, हाँ अभी मैं विभाजिता नियम भी पढ़ाया हूँ, डिविजिबिलिटी रूल, कितने लोगों को याद है? बताया हूं ना भैया, डिविजिबिलिटी रूल बताया हूं ना चच्चा, एक नंबर में पूछा जाएगा उचित अनुचित भिन्न या सम भिन्न। देखो समझो, भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, वक्त का खेल है सर ये, चलो देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जानते हो कितने टाइप का होता है? देखो मुख्य मुख्य रूप से समझ लीजिए, उचित भिन्न लिखो, नंबर एक उचित, या इसी को सम भिन्न भी बोलते हैं। ए लाइक वाइक नहीं रे दादा, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, एक एक पढ़ते चलते हैं तो ज्यादा बोरिंग नहीं होगी, सारा लिखेंगे एक तरफ से तो आप लोग गड़बड़ाए जाओगे ना। गोपाल महतो, आपको दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, अगर मेरी उम्मीदें सही हैं तो फिर
कोई दिक्कत नहीं। आइए, उचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका ऐसे समझो अंश इज ग्रेटर देन हर, न्यूमरेटर बोलते हैं इसे, डेनोमिनेटर। इंग्लिश सही है ना? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, तो इसे कहते हैं उचित भिन्न। स्पेलिंग हमारी अगर गड़बड़ है बता देना कि हाँ यहाँ गड़बड़ है, हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। जैसे 4/9, देखो 9 क्या है, सही है ना भाई? आए यार, गड़बड़ हो रहा है यार, कहा एक मिनट उल्टा हो गया यार ये। रुक जा रे दादा, रुक जा, इसका इधर एक लगे यार दादा, ये इधर एक लगेगा। हाँ आप सही है, कहीं कहीं ऐसे हो जाता है मिस्टेक। ये इधर को सही है ना? समझ गया ना सभी भैया? ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है वो क्या कहलाती है? उचित या सम भिन्न कहलाती है, या फिर इसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिथी दुबे, प्रभा देवी, स्वयं, सभी को आ रहा समझ में? भैया यहाँ एसी लगी हुई है लेकिन बहुत लोचा चल रहा है, वो चल नहीं पा रही है, वोल्टेज का लफड़ा है, और भी हमारे मालिक का कुछ लफड़ा है, मतलब मकान मालिक का, क्योंकि यहाँ रेंट पे है, तो हम लोग ऐसे काम चला रहे हैं धीरे धीरे। चलो आगे चले, हो गया ये डन, सभी समझ गए ना? चलो फिर बताओ, उचित भिन्न है बताओ, उचित भिन्न का दूसरा नाम बताओ। इनमें कौन उचित भिन्न है जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है? जल्दी करें, बहुत अच्छा। कुछ लोगों की सेटिंग चल रही पहले से ही, पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं, पढ़ के किसका भला हुआ है ना? पढ़ने में मिलेगा क्या? जुगाड़ लग जाएगा तो कुछ मिलेगा भी? पढ़ाई में कुछ हाथ आएगा कि नहीं कुछ पक्का नहीं है, है ना? नौकरी मिले ना मिले कुछ पक्का नहीं है, लेकिन जो कर रहे हो कमेंट में चैटिंग वैटिंग चल रही है, इसमें सफल हो गए तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, है ना? अच्छी बात है, चलिए लगे रहिए। तो जिसका हर बड़ा है अंश छोटा है, सरल करने के बाद कंफर्म करेंगे वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है ना? इनको सिंप्लीफाई भी कर लोगे, 3 6 18, 3 5 15, तब भी नीचे छोटा हो जाएगा ऊपर बड़ा हो जाएगा, है ना? ये भी वैसे है, तो इसका आंसर है ए वाला। समझ रहे हो ना? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, चलो। तो उचित भिन्न समझ गए। इसका जस्ट उल्टा होता है अनुचित भिन्न, ठीक है? जस्ट उल्टा होता है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखो अनुचित या विषम, और भी क्या बोलते हैं इसको, अनुचित या विषम या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सभी जान रहे हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है? जिसका ए भैया 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 देखो 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 इसे समझो। कहते हैं एक आदमी ईमानदार है, वफादार, और दूसरे का जो बेईमान है, बेवफा है, धोखेबाज है, तो ये दोनों में समझाने की जरूरत नहीं है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कोई कि ना ईमानदार है ना बेईमान है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ना।
कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वैसे इसमें क्या है, ऐसी भिन्न जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है या उचित भिन्न नहीं है वो अनुचित भिन्न होती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जैसे इसमें ये क्या अनुचित भिन्न है, ये भी अनुचित भिन्न है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक है, समझ में आया ना। चलें आगे बढ़े। तो ये उचित अनुचित भिन्न हो गया, पहला था उचित भिन्न, दूसरा था अनुचित भिन्न, लिख लीजिए, लिखो भैया, चाचा लिखा हो। ए था अनुचित उचित भिन्न, बी वाला था अनुचित भिन्न, लिख ले सब भाई हो, ये बी वाला था, ठीक है। सी वाला लिखिए, अगला लिखिए भैया, लिखिए अगला था वो मिश्र भिन्न, लिखिए। इसमें मुझे किताबिया सतवा सतवा चलने दो। मिश्र भिन्न लिखिए, मिश्र मतलब मिक्सचर जिसमें रहता है, मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जो मिक्स्ड होता है, बिल्कुल मतलब रियल नहीं होता है, कहते ओरिजिनल नहीं होता है ना। समर बैच अभी 10 बजे चलेगा, 10 बजे चलेगा समर बैच। देखो यहां पर इसका एग्जांपल सही समझ लो, बाकी छोड़ो। जैसे अगर मैंने लिखा 7/2, ठीक है, दिख रहा है 7/2। साथी मेरे ये किस तरह की भिन्न है बताओ, बताओ, अनुचित भिन्न है ना ये। इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं, अगर हम कहें मोटा मोटा कि जो अनुचित भिन्न होती है उसी को मिक्स भिन्न भी कहा जाता है, जब उसको हम हल करते हैं ना। लेकिन समझेंगे कैसे, पहले देखो, साथ में भाग करो। देखिए यहां पर एक पूर्ण संख्या मिल रही, भागफल क्वेश्चेंट एक पूर्ण संख्या मिल रही, होल नंबर ना, ये क्या है 3। तो इसको ऐसे लिखते हैं प्यार से, क्या लिखते हैं 3। ए रुकना, इतना बिना प्यार से लिखो। देखो अब जो शेषफल आता है, नीचे जो शेषफल आता है उसको यहां लिखते हैं ऊपर खोपड़ी पे, दिख रहा है लाल लाल, और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये 3 कलर का हो गया, मिक्सचर हो गया इसमें। ये क्या है? मिश्र भिन्न है। क्यों कहोगे मिश्र भिन्न काहे है, इसमें मिक्सचर का है, कहा है दाल भात खिचड़ी मिली है, काहे को मिक्सचर है। देखो देखो मिक्सचर काहे को है, ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है या अपूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या का एक मिक्सचर तैयार हो जाता है जिसे मिश्र भिन्न कहा जाता है, जो कि या जैसा कि मुझे पता है, ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं। सभी को समझ में आ रहा है? दीपक यादव जी आ रहा समझ में? कल्पना जी पढ़ाई कर लीजिए, अन्यथा आपको बहुत दूर कर दिया जाएगा इस क्लास से बहुत जल्दी। सोयब, दीपू, शिल्पी चौहान, गौरव, चलें? चलो फिर भैया, ले चलें तुम्हें कहाँ, अरे क्लास में ही और कहीं नहीं, चलो। हो गया खत्म। तो एक और भी है, रुके रहो रुके रहो, नहीं मुझे देखा नहीं जा रहा है, लिखो अगला सजातीय भिन्न। कोई कह रहा है कि आपको देखा नहीं जा रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं देखा जा रहा है, लिखो। वो किसी से नहीं देखा जाता है, बी वाला लिखो। सजातीय भिन्न जिसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं,
बताइए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सजातीय भिन्न क्या होता है भैया बताओ। चलिए देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसका हर समान होता है, जिसका हर समान होता है ठीक है, अंश अलग अलग होता है। जैसे लिखो ऐसी भिन्न जिसका हर समान होता है, हर समान होता है। जैसे उदाहरण 3/7, 9/7, मतलब हर समान होता है, हर क्या होता है इक्वल होता है, मतलब एक ही गिनती होती है, एक जैसे होता है ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत किसी को? देख रहे हो मैंने इतना ही बोला कि चलो ले चलें तुम्हें, तो ये लोग कमेंट कर रहे हैं यार तारों के शहर में। अब पढ़ाई के बारे में अगर मैंने एक पॉइंट बोला तो दूसर का पॉइंट इनके जुबान से नहीं निकलेगा, नहीं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तारों के शहर में तो जाना ही है ना। वो एक कहानी नहीं है कि बच्चे ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी पढ़ना क्यों है, उन्होंने कहा पढ़ लो, अच्छा पढ़ोगे नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छे बच्चे होंगे है ना, फिर अच्छी जिंदगी होगी, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, बैठ के ऐसो आराम करना है। तो वो कहा फिर इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है, आराम तुम पहले भी कर रहे हैं है ना, इतना कुछ करके आराम करें, इससे अच्छा पहले ही ना आराम करें, क्या मतलब है सब करने का। चले हो गया डन, तो समझ गए। ऐसी भिन्न जिसके हर एक समान हो, अंश अलग अलग हो, वो क्या होता है सजातीय भिन्न। अगला लिखिए विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न जिसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन ये क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा होता है ठीक है। जैसे इसमें एक प्रकार से बहुत तरह की भिन्नें आ जाती हैं, मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, मोटा मोटा ऐसे इधर का उधर, उधर का इधर, यानी इसमें हर अंश कुछ समान नहीं होता। जैसे मान लो 7/5, 8/9, 3/7, आदि आदि। देखो इसमें हर अंश में कोई समानता नहीं है, तो ये क्या था भिन्न का प्रकार। हाँ एक है समतुल्य भिन्न जिसे बोलते हैं इक्वालियंट फ्रैक्शन, क्या है इक्वालियंट फ्रैक्शन, देख ला भैया यहू देख ला कौन बीमारी का नाम है, लिखा देखा 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 हो। इक्वालियंट फ्रैक्शन इसकी स्पेलिंग या देख ला सब भाई, QUI देख लेता है, रुका रहा, इक्वालियंट स्पेलिंग भैया लिख लो। इंग्लिश ना बड़ा गड़बड़ है यार, कौनो अंग्रेजी वाली मैम बताओ आप लोग, थोड़ा बहुत तो सीख लें जिंदगी के लिए। चलो इक्वालियंट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसके हर और अंश दोनों में, या मतलब किसी में नहीं, नहीं किसी में नहीं, दोनों में किसी एक समान संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो जो नई भिन्न बनती है उसकी समतुल्य भिन्न कहलाती है ठीक है। देखो कैसे, जैसे 7/5 इसमें 2 से गुणा कर दिया दोनों में, तो ये 14/10 क्या है, 7/5 का 14/10 समतुल्य भिन्न है या इक्वालियंट फ्रैक्शन है।
ठीक है, सूरज आ रहा समझ में, सजना यादव आ रहा समझ में, चौहान जी आ रहा समझ में। चलो छापो फटाफट। अगला क्वेश्चन है 8/5 की समतुल्य भिन्न है। पहला 4/2, दूसरा 52 हो भैया। चला आठ बटा पांच की समतुल्य भिन्न बताइए। हाँ जल्दी करिए, देखिए बहुत अच्छा। क्या नाम है इनका? शिरोमणि, वेरी गुड। ये 10, 16/10। मनीषा का भी सही है, क्वेश्चन पेपर से ही है, ये सब पेपर से ही है, यू डोंट वरी भैया। देखो ना, इसमें कहा किया पता है? हाँ ऊपर का निचका दोनों में 2 से गुणा कर दिया तो 16/10 होएगा, बाकी ऐसा और किसी में नहीं हुआ है। ठीक है, सभी समझ गए? ए बी लिख कमेंट कर दो, चलेगा। बी भी मत लिखो, रात का टाइम है, समझ रहे हो, लोग डरते हैं। चलो देखो, अरे मतलब मैं नहीं डरता, ये लोग डरते हैं। तो भिन्न का जोड़ना घटाना गुणा भाग सीख लिए थे, भिन्न का प्रकार भी सीख लिए हो, और क्या करना है? बोर्ड मास का नियम खत्म हो गया। और क्या है? हाँ दशमलव, अगला चैप्टर है दशमलव डेसिमल। देखो यहाँ पे दशमलव, दशमलव यानी डेसिमल, दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग। देखिए मैं बिल्कुल एक तरफ से सब कुछ बता रहा हूं, चाहे किसी को आता हो या ना आता हो, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप पूरा रिवीजन कर लेंगे तो पास होने की पूरी गारंटी है, तो हमें उस कमजोर बच्चा को भी देखना है। इनको जोड़ना है, बताइए कितना आएगा, जवाब दीजिए। लिज्जा खान 9 बजे से चल रहा है, 9 बजे से चल रहा है, तो 2 दिन से धोखा हो रहा है मेरे साथ, तो ये 9 बजे चल जाता है, वरना इसको 10 बजे चलना था। चलिए हो भैया, कर लोगे? देखो सबसे पहला नंबर लिखेंगे 3.53, फिर प्लस नीचे 9.35, फिर प्लस ये 7। देखो भैया 7 के बाद हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो इनका ऐसे कर लेंगे, जोड़ो 5 3 8, 5 3 8 दशमलव, 9 7 16, 16 3 19। कोई डाउट किसी को? कोई तकलीफ किसी को इसमें? अब कमेंट नहीं देखूंगा यार, कमेंट देखने दिमाग एक बटा रहता है, हटाओ इसको पटको, इधर नहीं देखूंगा अब। चलो इतना ईमानदारी से पढ़ाया नहीं, नहीं बनता है, कमेंट के चक्कर में दिमाग भटका रहता है। कर लेंगे इसको बढ़िया। चलो देखो अगला, अगर 3
धन इनको जोड़िए कितना आएगा बताइए। हाँ देखिए बहुत सिंपल है, यहां पर अधिकतम दो अंक तक दशमलव है, तो जिसमें दशमलव नहीं है उसमें हम ऐसे दो अंक तक जीरो जीरो बना लेंगे जिससे इनका बैलेंस बन सके। दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव, इसके राइट साइड में तीन और पांच है तो तीन और पांच, लेफ्ट साइड में फाइव है तो फाइव, दूसरे नंबर में भी ऐसे बना लेंगे। ठीक, जीरो में पांच और फिर जीरो पांच रहेगा, जुड़ेगा ये तो ये तीन ही रहेगा, सब जीरो जुड़ेगा, पांच तीन आठ, नौ आठ सत्रह, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना भैया, डन। तो बस ये हो गया आपका दशमलव का जोड़ना। इनको लिखो फटाफट लिखो, लिखा हो याद रखना एक चीज कि कहीं भी दो ही दशमलव नहीं लगता है, एक ही तरह के इस तरह के कैलकुलेशन में कहीं दो बार दशमलव नहीं लगेगा कि यहाँ भी दशमलव है यहाँ भी दशमलव, ऐसा नहीं होगा। ये आप लोग घर से करेंगे, अब इसके बाद अगली बैच क्लास होगी अभी 10 बजे, क्योंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो फिर अगली क्लास बहुत लेट हो जाएगी, है ना। हाँ जिनको पूरा क्लास कम समय में देखना अच्छे से, अभी न्यू बैच आ रहा है समर बैच, आप सबको पता है, तो भैया सभी हमें ना अब टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें सारी क्लास की अपडेट के लिए, और अन्य कंप्लीट मटेरियल के लिए पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है पूरा ढंग से। याद रखें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या ऐप स्टोर से, आईफोन के लिए या फिर एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर। किसी को कुछ कहना है तो कमेंट कर दो फटाफट। लिज्जा खान जी कमेंट आपका आ रहा है, बिल्कुल सही किए सर आप पढ़ाओ, अच्छा क्लास खत्म हो गया। वंदना कुमारी बिल्कुल, पूजा यादव जी गुड इवनिंग, केशव जी राधे राधे, दीपू जी ओके ओके ठीक है, नहीं आज नहीं सोएंगे आज नहीं सोएंगे, आज मैंने अपने आप को ना बहुत समझाया है कि सोने का नहीं बेटा, और कल मैं सोया नहीं था, केवल क्लास में नींद आ रही थी, बाकी सोया मैं 2 बजे था, हमारे नालायक दोस्त आ गए इसमें कुछ देखने लगे पिक्चर और पता नहीं क्या क्या, वो लोग मुझे भी उसी में अर्जा दिए, मेरी नींद भाग गई, बस केवल पढ़ाया नहीं, मुझे अफसोस इस बात का था, सोने को तो नहीं मिला मुझे। तो बस हो गया, फिर चलें आगे बढ़े, बंद करें का दें हम यार, सब लोग फिर ये चाहते हो, हम अकेले आदमी ना बीवी ना बच्चा का करें, हम कैसे मैनेज करें बताओ तुम पहले, हाँ कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं यहाँ, हम क्या करें, कंटेंट टाइपिंग खुद ही करें, कमेंट रिप्लाई खुद ही करें, कॉल तुम लोगों को खुद ही कर लें, व्हाट्सएप का रिप्लाई कर लें, कंटेंट भी बना लें, पढ़ा भी दें, कोर्स भी मैनेज कर दें, सब हम ही कर दें। अरे इंसान है कि जानवर है क्या है, कंप्यूटर भी तो नहीं कर पाएगा इतना, कंप्यूटर भी हैंग करने लगता है, नहीं चलता है, क्यों, इसका कारण है कि सब फ्री चाहते हो, फ्री हमें सब फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, क्या करें फ्री बताओ, क्या क्या करें, कोशिश है कर रहा हूँ, कुछ लोगों को जोड़ा हूँ वो भी भागना चाहते हैं, तो बस यही वजह है। इतना गंदीला है सब, एक ही कह रहा है कि इंग्लिश वाली मैम से शादी कर लो तो इंग्लिश सिखा देंगी, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए शादी भी करनी पड़ेगी,
इतनी बड़ी कीमत तो मैं नहीं चुका सकता। हाँ तो एक चीज मैं बताने को भूल गया, कोई भी कैंडिडेट जो प्रयागराज में रह करके पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, जो प्रयागराज में रह करके पढ़ाई करना चाहता है वो पीबीआर स्टडी में ऑनलाइन जॉब ज्वाइन कर सकता है। सॉरी ऑनलाइन नहीं, मतलब आ करके यहाँ पे रह करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप पर भेजें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजें और अपना रिज्यूम भेजें। आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी अच्छे से ढंग से, जैसे हम जो भी जहाँ रहेंगे जो खाएंगे वहीं आप भी रहेंगे, जैसे हम झेलेंगे आप भी वैसे झेलेंगे, और आपके योग्यता के अनुसार आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। समझ रहे ना, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, दो लोगों की, सिर्फ दो लोगों की अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि तीन लोग अभी हैं हमारे पास लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं तो मैं उनसे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तो प्रयागराज में रहना होगा, चाहे जहां से हो आप आ सकते हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट नॉट फीमेल। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे रिज्यूम आ जाते हैं, इतना बेरोजगारी बढ़ी है पड़ी है, लेकिन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं 10 बजे से।